दुनिया में ना दो तरीके के लड़के होते हैं, एक कमीने, दूसरे महाकमीने। और ये जो जैद है ना, ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं, नालायक, निकम्मा, उस्मान मामूजान का बेटा है यकीन ही नहीं होता है। मेरा मतलब कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है? ठीक है, मुझे क्या, मैं क्यों पढ़ू इन सब में। वो तो मामूजान ने मुझसे दो तीन बार एडवाइस मांगी तो मैंने दे दी। पर सीरियसली, होपलेस केस है, बिल्कुल होपलेस। मुंबई में है, सुपर रिच है, इसलिए बचे हुए जनाब हमारे भोपाल में होते ना तो किसी ना किसी लड़की से तो जरूर पिट चुके होते, मुझसे ना तो डेफिनेटली। एक बात बताएं, बेसिक फंडा ही गलत है लड़के का। हाँ, फ्रेंड्स पार्टिंग डेटिंग और फ्रेंड्स पार्टिंग डेटिंग, बस इतनी सी दुनिया है जनाब की। खानदान के बारे में, अपने कजिन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आई मीन, हम लोग भी भोपाल में हैं, बहुत मस्ती करते हैं और माशाल्लाह हमारे भी रोमांस होते हैं यहाँ पे, मगर ये डेस्पो। अरे कोई भी चीज एक तमीज, एक तरीके से करी जाना तो अच्छी लगती है। अब परसों की बात बताएं, मैं और रिज्जू मॉल जा रहे थे, कोने के घर वाले जो अमानिया है वो हमारी गली से लेकर हमारे मॉल तक, मतलब मॉल तक हमारे स्कूटी के पीछे पीछे। मैंने तो अपनी स्कूटी के पीछे से देख लिया कि भैया ये हमारे रिज्जो के पीछे ही आ रहे हैं। तो मैंने भी रिज्जो से कह दिया, भैया तमीज से बात करेगा ना तो सुन लेना, अगर बदतमीजी दिखाएगा ना तो बड़ा मार खाएगा ये। तो हमने रिज्जो को मॉल में ना अकेले छोड़ा और साइड में से चुपचाप खिसक लिए। और चुपचाप देख रहे हैं तो क्या देखते हैं, ये जो अमान मियां है ना, वो डरते डरते मॉल में आए, रिज्जो के पैरों के पास एक गुलाब का फूल और एक छोटी सी चिट छोड़कर भाग गए। चिट में क्या लिखा था? अरे अपना नंबर, नंबर छोड़ गए थे जनाब। अब देखो दोनों लगे रहते हैं पूरे दिन फोन पर। अब ऐसा कोई प्यार करे, ऐसा कोई तमीज वाला रोमांस करे तो समझ में भी आता है, मगर ये जैन, ओहो अल्लाह मियां, इसके बारे में तो सोचना भी गुनाह है।